नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, हाईकमान की चुनाव समिति की घोषणा, सुखू सहित 20 सदस्य कमेटी में शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस जुट गई है। हाईकमान ने रविवार को प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू सहित 20 सदस्य कमेटी में शामिल किए हैं। मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से नाराज चल रहे विधायक सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को भी इसमें शामिल किया है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी राज्यों से चुनाव को लेकर राय मांगी गई थी। इस बैठक के बाद अब चुनाव समिति गठित कर दी है। आज धुंध को लेकर येलो अलर्ट जारी, कल और परसों बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार है। सोमवार को पूरे प्रदेश में धुंध का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को प्रदेश भर में और बुधवार को मध्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 11 और 12 जनवरी को मौसम फिर साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। प्रदेश के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुंदरनगर, भुंतर, मंडी, कल्पा, केलांग, समदो और कुकुमसेरी का पारा माइनस में चल रहा है। शिमला, पालमपुर में भी इन दिनों शीतलहर चल रही है। सुबह शाम के समय बाजारों में सन्नाटा छा रहा है। प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। बर्फबारी और बारिश न होने से गेहूं, मटर और सेब की फसल को नुकसान हो रहा है, जबकि बागवान ये पौध नहीं रोप पा रहे हैं। रविवार को अधिकांश जिलों में धूप खिली रही। जेब में पैसे नहीं तो भी होगा, हिमाचल की सरकारी बसों में सफर खोले पैसे देने का झंझट खत्म, प्रशासन ने तैयार किया ये प्लान। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की बसों में अब टिकट के लिए खोले पैसे देने का झंझट खत्म होगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए निगम नई पहल करने जा रहा है। यात्री गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बस का टिकट दे सकेंगे। HRTC ने नई मशीनें खरीदी है। टच स्क्रीन ई टिकटिंग मशीन के जरिए यात्री सभी तरह के कार्ड और मोबाइल वॉलेट से किराया दे सकेंगे। निगम प्रबंधन ने डिपो RM को इसके लिए कोड भी जारी किए हैं। राजधानी शिमला के लोकल डिपो और तारादेवी में ये मशीनें पहुंच गई है। 10 दिन में तारादेवी डिपो के लग्जरी बस सेक्शन में ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल के किसानों की होगी शिरकत, इन अन्नदाताओं के कामकाज से केंद्र सरकार गदगद। गणतंत्र दिवस परेड के गवाह हिमाचल के 10 प्रगतिशील बागवान भी बनेंगे। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों से कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए दिल्ली से आमंत्रित किया गया है। 24 जनवरी को ये किसान दिल्ली पहुंचेंगे। इनमें मंडी के थुनांग के चमन ठाकुर भी शामिल है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कम पानी के बावजूद अच्छी पैदावार वाले प्रगतिशील किसानों व बागवानों को केंद्र सरकार की ओर से चयनित किया गया है।